हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो ये है नवरात्रि डे 4। यहाँ पर मैं जैसे अपनी पूजा की स्टार्टिंग कर चुकी हूँ। आज भी सेम शेड्यूल है, मैं अकेले ही हूँ। आपको मैं सब चीज़ें बता चुकी हूँ, जैसे कि हस्बैंड का काम है तो उनको प्रॉब्लम होती है। बस यहाँ पर अपना दुर्गा अष्टमी का अपना पार्ट शुरू कर चुकी हूँ और अकेले ही वीडियो शूट करती हूँ। आपको दिख रहा होगा सब चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। आज गुनू का था स्कूल से ऑफ, तो मैंने गुनू के लिए बनाए थे आप पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और डिनर के साथ में टमाटो सॉस, उसको आप पे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा घी बनाऊँगी बस, इसीलिए छाछ बच गई थी क्योंकि अभी इन दिनों तो यूज़ होगी नहीं, तो मैं उसको ऐसे ही आपे और उत्पम बना कर फिनिश करूँगी। तो यहाँ पूर्वी बनवा रही थी अपना हेयर स्टाइल एज यूजुअल, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था। पूर्वी को ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद था, उसको अपनी तायगी से बनवाना होता है। और भविक कर रहा था यहाँ अपनी पढ़ाई, मैथ्स के सम कर रहा था। आज था संडे तो इन बच्चों का ट्यूशन भी है, मैम आएंगी बीच में पढ़ाने के लिए क्योंकि नेक्स्ट डे था मैथ्स का एग्ज़ाम। इस बीच मैंने करी अपनी ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग, जैसे कि आप देख रहे हो। कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे साफ़ करते जाओ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा आया था एक मीशो से पार्सल, जो कि किचन की कुछ एक्सेसरी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मैं एक ही दिन रिवील करने वाली हूँ सारे पार्सल्स। तो मैं अपने छोटे छोटे पार्सल्स को कलेक्ट करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। आप देख सकते हैं मेरी खुशी क्या है। थोड़ी से टाइम बाद एक और छोटा सा नया लुक दिखाने वाली हूँ अपने किचन का। तो गाइज 10 मतलब मेरी शादी को 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये मेरी कज़न का घर है, आप देखो संडे आज उसने कितने सारे कपड़े धोए हैं। पूनम गोस्वामी व्लॉग्स यूट्यूब पे उसका चैनल है, प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं गई थी गंगा विहार, ये हमारा पुराना घर है जहाँ पे हम लोग रहते थे। यहाँ पे अब रेंट पे कुछ लोग रहते हैं, बस वही इस चीज़ को संभाल रहे हैं। तो वापस आ गई थी घर, मैंने पीछे आपको बताया नहीं डिटेल। कुछ चीज़ लेने गई थी सुनार से, सरप्राइज़ है, दिखाऊंगी आने वाले टाइम में, तो वो मैं अभी रिवील नहीं कर रही हूँ। आगे शाम के टाइम में बस खाने की तैयारी करने लगी थी क्योंकि पहले से थोड़ा थोड़ा स्टार्टअप कर दूंगी तो लेट नहीं होगा। और पूर्वी यहाँ भर रही थी डायरेक्ट पानी। शाम के टाइम हमारे यहाँ मोटर चलती है तो पानी आता है। हमारी जो ऊपर फ्लोर की टंकी है वो छोटी है तो हम पानी स्टोर करके रखते हैं। आज की थाली थी मेरी ये कुटू की पकौड़ी, सिंगाड़ी की पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी, आलू और घिया की सब्जी खीरे कराया था तो मैं इनको दे रही थी जस्ट। है शाम के टाइम हम आए थे छत पे, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आप देख रहे होंगे सामने लाइटिंग सुंदर। तो हमारे यहाँ लगा हुआ है मेला, जैसे कि बच्चों ने मुझसे डिमांड करी थी मेला जाना है, मेला जाना है। तो बच्चों के बस रह रहे हैं दो एग्जाम्स, में थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि ये दो पेपर भी अपने अच्छे से दे लें। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं लगता। और रात के टाइम इनकी छोटी छोटी नौटंकियाँ शुरू हो जाती हैं। पूर्वी यहाँ पर बना रही थी कुछ स्लिप्स, तो पूर्वी ने लिखा था इस स्लिप के ऊपर, लिखा था यू आर बेस्ट मॉम। आप देख रहे हो तो स्टिकी और जो स्लिप्स होती हैं उन पे ये ऐसे ऐसे मैसेज मुझे लिख के पास आउट कर रहे थे। बच्चों की ये शैतानियाँ चलती रहती हैं हमारे यहाँ रात को, रोज़ 11, 11:30, 12 ऐसे ही हो जाता है, टाइम निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो इतनी ही छोटी सी खुशियों के साथ मैं आपके आपके सामने छोटे छोटे व्लॉग्स अपने शेयर करती हूँ। गाइज प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करो। एक कमेंट में आके मेरे को प्लीज़ थोड़ी सी खुशी दे जाओ। ये मेरे दो बच्चे हैं जिनके साथ मेरी ज़िंदगी कट रही है। समय के साथ साथ सब चीज़ें बदलती रहती हैं और वो बदल ही रही हैं। हम बड़े हो रहे हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो। ओके टाटा बाय।